हेलो दोस्तों, पोस्टर मैं चलो मुन्नी कैडम, आपको स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम वॉलेट यूज करके कैसे 25 रुपीज तक कैशबैक ले सकते हैं। देखिए, पेटीएम काफ़ी कम ऑफर देते हैं अपना वॉलेट यूज़ करने का, तो इस पर काफ़ी बढ़िया ऑफर है और वहाँ पे आप बिल्कुल पेटीएम वॉलेट का यूज़ करके 25 रुपीज तक कैशबैक ले सकते हैं। ये ऑफर क्या है, किसका कैसे का बेनिफिट लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बस वीडियो के आखिर तक बन रही, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए और वीडियो को पहले देख सके। तो चलते हैं ऑफर तरफ। अगर आपके पास पेटीएम अपडेट है तो पेटीएम ओपन करिए। जब ये पेटीएम ओपन करिए तो पेटीएम का जो कैशबैक ऑफर सेक्शन है उसको ओपन करिए, क्योंकि हर टाइम का हर तरह का ऑफर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो जब भी वो आप पेटीएम कैशबैक ऑफर सेक्शन ओपन करें तो सबसे ऊपर आपको पे यूजिंग पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है और ये ऑफर है लगभग सबको मिले, काफ़ी सारा आईडी पे मेरा शो करे, मगर उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप अपना पे इस ऑफर को ओपन करिए और उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो टर्म एंड कंडीशन सही से पढ़ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या टर्म एंड कंडीशन है और आप कैसे उसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, मेरा जो टर्म एंड कंडीशन है आपको क्या करना है, यहाँ पर 25 रुपये आपको 50 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिनिमम 50 रुपीज़ यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा पेटीएम वॉलेट के थ्रू और 5% के हिसाब से आपको 25 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। तो देखिए, अगर 25 रुपीज़ कैशबैक लेना है तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का यूज़ करने का पड़ेगा पेटीएम वॉलेट से। तो आप पेटीएम वॉलेट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पेटीएम वॉलेट का यूज आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आप वहाँ पे पेटीएम वॉलेट में जो भी अमाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं। और आप किसके पास पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। कहीं पे बिल पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पेटीएम वॉलेट के थ्रू बिल पेमेंट कर सकते हैं। अभी आप बात करेंगे पेटीएम वॉलेट अमाउंट को यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज सेक्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अगर जितना भी अमाउंट का रिचार्ज होता है 250 रुपये के ऊपर रिचार्ज करिए, जितने रुपये का आप रिचार्ज करेंगे उतने अमाउंट आप अपना पेटीएम वॉलेट में पहले से ऐड कर लीजिए। तो जब भी आप ऐड कर लेंगे तो आप जब भी रिचार्ज करेंगे और पेमेंट मेथड पे जाएंगे तो आप पेटीएम पेमेंट मेथड पेटीएम वॉलेट को ही चूज करिए, उसके बाद वो आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपका पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर जाएगा तो आपको वहाँ पर 25 रुपीज़ कैसे मिल जाएगा। और एक बात है, ये जो ऑफर है ये मैनुअली एक्टिव करना पड़ेगा, ये ऑफर सबके लिए सबको नहीं मिला, जिसको मिले तो आप ये करना इस एक्टिव ऑफर नाव पे क्लिक करें। तो एक्टिव ऑफर पे जब क्लिक करें तो जब भी आप एक्टिव ऑफर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर आ जाए ट्रांजैक्शन नाव का ऑप्शन है, तो ट्रांजैक्शन नाव पे क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करिए। जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जो स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करेंगे तो आपको 25 रुपीज़ फ्लैट कैश में मिल जाएगा। तो जितना भी आप यूज करेंगे मिनिमम 50 रुपीज़ के ऊपर तो उसका 5% आपको मिल जाएगा। अगर आप 100 रुपये यूज करते हैं तो 5% से 5 रुपये होता है और आप अगर आप 250 रुपये यूज करेंगे तो 5% के हिसाब से आपका जो भी जितना भी कैश मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो पेटीएम में कि ये जो वॉलेट यूज करके कैसे 25 रुपीज़ कैश पे ले सकते हैं। जो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पा जाए, वीडियो पहले देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नहीं बात और कुछ नहीं जानकारी।